हाय गाइस, मैं हूँ देबुलेना एंड वेलकम टू माय चैनल पॉप्सी गर्ल। तो आज मैं आपको एक ट्यूटोरियल दूंगी कि कैसे जब आपके हेयर्स थोड़े ऑयली ऑयली से हो जाते हैं, चिपकू चिपकू से हो जाते हैं और कोई हेयर स्टाइल हमें सूझता नहीं है, बिकॉज बाल खुले नहीं रख सकते, बिकॉज अजीब से लगते हैं। जैसे अभी मैंने 2 दिन से शैम्पू नहीं किया, मेरे बाल जो है वो ऑयली हो गए हैं। तो उस केस में अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़े या घर में कोई फंक्शन है, तो फिर कैसे हम अपना एक हेयर स्टाइल बनाएं, और अगर आपको टाइम ना मिले शैम्पू करने का, तो उस टाइम पे कैसे हेयर स्टाइल आपको करना है या क्या ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। सो ऑयली हेयर्स को ड्राई करने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है। जैसे ड्राई शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। ड्राई शैम्पू यूज़ करना रेगुलरली अच्छा भी नहीं होता है। प्लस आप जो बेबी पाउडर्स होते हैं वो स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं, उससे जो आपके हेयर्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं और फ्लफी हो जाते हैं, लेकिन वो भी आपके हेयर हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं विदाउट बैक कॉम्बिंग, विदाउट यूजिंग एनी बेबी पाउडर्स, विदाउट यूजिंग एनी मेकअप प्रोडक्ट्स। तो कैसे करना है चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इस वक्त मेरे जो हेयर्स है वो ऑयली ऑयली से हो गए हैं, चिपकू चिपकू से हो गए हैं। तो कैसे आप अपने हेयर्स को फ्लफी बना सकते हैं, सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को कॉम्ब कर लेती हूँ। तो अपने आईब्रोज के एंड पे, जो अपने हमारे जहाँ पे आईब्रोज एंड होते हैं, वहाँ से आपको एक सेक्शन लेना है इस तरह से, और कॉम की मदद से तो इतना सा सेक्शन मुझे मिला है। तो इसको अभी हम ट्विस्ट करके फिर यूं आगे की तरफ पुश कर लेंगे। तो ऐसे ट्विस्ट करके सामने की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे तो यूं ऐसे पफ बन जाएगा। इस पफ को हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो मैं इसे टिक टैक पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। है ना, तो बाकी जो साइड में जो हेयर्स आपके बच गए हैं वो आप कॉम करके ऐसे छोड़ सकते हैं। तो ये एक हेयर स्टाइल बन गया। तो आप देख सकते हैं कितना फ्लफी और वॉल्यूमिनस लग रहा है आपके हेयर्स, है ना। तो ये एक हेयर स्टाइल हो गया, ये हो गया फर्स्ट हेयर स्टाइल, ये आप कर सकते हैं। दूसरा एक और ट्रिक है, जो साइड में बचे हैं बाल, ये इसको यूं लेना है और ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे। ये जो आपके हेयर्स बच गए हैं साइड वाले, इनको ऊपर की तरफ ले जाना है और यूं हल्का सा ट्विस्ट कर लेंगे और यहाँ पीछे पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। यस, तो ये एक हेयर स्टाइल हो गया, ओके, जो कंप्लीट पफ हमारा यहाँ से बन गया है, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्टली पूरा बाल ऐसे उठाकर पफ क्यों नहीं बना सकते, राइट। तो जब हम पूरा बाल ऐसे उठाते हैं तो साइड से फूल जाता है, लेकिन सामने से जो है वो यूँ दब जाता है पफ। तो इस तरह से यहाँ से प्लेन हो जाता है, यहाँ से फूला हुआ रहता है, जो अच्छा नहीं लगता दिखने में। इस तरह से अगर आप पफ बनाएंगे तो आपका जो है इक्वली एक राउंड शेप में पफ आपका बना हुआ रहता है और ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। नाउ थर्ड हेयर स्टाइल आप कर सकते हैं हाई पोनी टेल। तो पूरे बालों को पीछे की तरफ ले लें और यूं कॉम करके इसको ऊपर उठा लेंगे। हाई पोनी टेल नीचे नहीं बनाना है, यानी नीचे यहाँ नहीं बनाना है, उससे जो है लुक अच्छा नहीं आता है। इसीलिए हाई पोनी टेल में आपको यूँ इस फुल पफ के साथ, अगर आप इसको थोड़ा हाइट में इसको बनाएंगे
तो ज़्यादा अच्छा लुक आपको मिलता है। तो रबर बैंड से मैं इसको बांध लेती हूँ और अब जितना भी आप इसको एक तरह से खींचेंगे आपके ये वाले बाल ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा होता है ना कि जब हम हाई पोनी टेल या कोई भी पोनी बनाते हैं, जब हम रबर को ऐसे टाइट करने की कोशिश करते हैं बालों को खींच के, तो फिर यहाँ वहाँ से ऐसे बाल खिंच जाते हैं, दर्द होता है, किसी को एक दो बाल जब खिंच जाते हैं या फिर जो लुक है वो ख़राब हो जाता है सामने से, राइट। तो ये इस तरह से अगर आप पिन से सिक्योर कर लेंगे पफ बनाकर, तो बाल आप जितना भी खींचे बिल्कुल आपका हेयर जो है वो ख़राब नहीं होता है। ओके, सो ये मैंने टाई कर लिया है यहाँ हाइट में, तो आप देख सकते हैं साइड से कितना अच्छा एक लुक आता है, राइट। अगर आपको पोनी वॉल्यूमिनस बनाना है तब आप क्या करेंगे, तो इस पोनी को यूं ऊपर से, सॉरी, पोनी को ऊपर और नीचे से इस तरह से पुल करेंगे। हम जैसे साइड से खींचते हैं, हमें ऊपर से नीचे से खींचना है, तो यूं ऐसे फूल जाएगा। So you can see, तो काफी अच्छा एक लुक आया है विथ ऑयली हेयर्स, है ना। तो आप इस तरह से स्टाइल बना सकते हैं। एंड एक और चीज़ आप कर सकते हैं, यूं पोनी बनाने के बाद अगर आपको लटे चाहिए तो ऐसे यहाँ अपने आईब्रोज के जो आर्क होते हैं वहाँ से आपको यूं उंगली लेना है अंदर की तरफ और यूं हल्का सा बाल खींच ले यहाँ से भी, अंदर से खींचना है सामने से नहीं। तो ये हो गई लटों के साथ हमारी हाई पोनी टेल। ओके, सो ये हो गए हमारे 4 लुक्स। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने ना तो कोई यहाँ पे बैक कॉम्बिंग की है, ना तो मैंने यहाँ पे कोई बेबी पाउडर यूज़ किया है। मैंने आपके सामने कैसे पफ बनाना है वो आपको बताया है और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आप कैसे रख सकते हैं अपने हेयर्स को वो मैंने आपको बताया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया है अगर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।